नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं क्लास 9th में मैथ्स का प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, जो कि दोस्तों स्टैटिस्टिक वाला चैप्टर था। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक एक दूसरे के काफी करीब माने जाते हैं और एक साथ ही चलते हैं दोस्तों। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। दोस्तों ये डेटा था हमारा एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में। 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप हमें दे रखे हैं। चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों, ए बी ए बी और ओ। इसके अलावा पॉजिटिव निगेटिव भी होते हैं, मगर फिलहाल हम अभी मेन 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 जो ग्रुप है उसको लेके चल रहे हैं। 30 बच्चों के ब्लड ग्रुप दे रखे हैं हमसे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा था तब, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप ए बी। तो दोस्तों चार तरीके के ब्लड ग्रुप है, इसको हम बांट लेते हैं चार तरीके के ब्लड ग्रुप में। एक टेबल बना लेते हैं, एक तरफ ग्रुप और एक तरफ फ्रीक्वेंसी, कितनी ब्लड ग्रुप ए की संख्या कितनी है, बी की कितनी है, ए बी की कितनी है, ओ की कितनी है, इसको दोस्तों गिन करके हम लिख देते हैं। ब्लड ग्रुप ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है दोस्तों ब्लड ग्रुप ए। और ब्लड ग्रुप बी की संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 है ब्लड ग्रुप बी। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ए बी की खासियत यह होती है कि ये सबका ब्लड ग्रुप, सारे ब्लड ले सकता है, एक्सेप्टर है ये, कोई भी ब्लड ग्रुप इस पे चढ़ा दो। और ओ ए बी की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 2 3, 3 है दोस्तों मात्र। तो ओ की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल दोस्तों 30 थे हमारे, 9 6 15, 15 3 18, 18 टोटल 30 है। तो ब्लड ग्रुप ओ की संख्या कितनी होनी चाहिए, 12, 12 होनी चाहिए। आइए हम गिन के देखते हैं दोस्तों, क्या 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ की संख्या। ये तो हमारे फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। हमसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप ए बी। दोस्तों प्रोबेबिलिटी जो होता है वो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो हमारे ब्लड ग्रुप ए के फेवरेबल केस कितने हैं, 3, और टोटल कितने केस हैं दोस्तों, 30। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप ए बी इक्वल टू 3/30। इसको थोड़ा काट पीट के छोटा करेंगे, 1/10, या फिर कह सकते हैं हम 0.1। 0.1 का मतलब है, इसको 100 से अगर गुणा कर दे, कि 10% चांस है कि वो जिस स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट किया है उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, इसके 10% चांस है मात्र। वही अगर हम ए सिलेक्ट करते तो काफी ज्यादा चांस रहता, उस ओ के सबसे ज्यादा चांस होते हैं दोस्तों हमारे इसमें, 12/30, यानी कि इसको सॉल्व करते तो मारा जाता 0.4, 40% चांस है कि ब्लड ग्रुप ओ होगा। आइए दोस्तों प्रोबेबिलिटी के बारे में हम एक महत्वपूर्ण चीज जाने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो ए बी हमने निकाला है, प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट, यानी कि ए बी को छोड़ करके और जो बाकी ब्लड ग्रुप है, इन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी को हम जोड़े तो इस इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ना हो, इसका ए बी का तो 1/10 है, ए बी की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है दोस्तों, क्या क्या केस बनाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप ना हो तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या ओ हो सकता है, तीनों में से कोई से भी हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, या फिर ब्लड ग्रुप ओ। और जो मैथमेटिक्स में दोस्तों और का मतलब होता है प्लस, ए बी का नहीं होने का मतलब है या तो ए हो या फिर बी हो या फिर ओ हो। तो दोस्तों और का मतलब होता है प्लस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इक्वल टू 1 - 1/10। इसको हमने दूसरी तरफ, 1 के दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 9/10, ये बन जाएगा 9/10। और ब्लड ग्रुप प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए की निकाले दोस्तों, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस होता है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो ब्लड ग्रुप ए की संख्या है जो है वो है दोस्तों 9,
ए की संख्या है 9, बी की 6 और ओ की 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ब्लड ग्रुप ए के फेवरेबल केस है 9, टोटल केस है 30। इसी प्रकार बी के, बी के हैं दोस्तों 6, टोटल केस है 30। ब्लड ग्रुप ओ के सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल केस है वो है 12, टोटल केस है 30। इसको थोड़ा काट के अगर 3 से भाग करके लिखे तो दोस्तों हमें मिलेगा 9/10। इधर भी मिल रहा है हमें 9/10। तो ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी की एक खास चीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी प्लस उस चीज़ के अपोजिट की प्रोबेबिलिटी, जिसको कहते हैं नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी थिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ एनी थिंग, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जो जो चीज़ें बच गई दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी 1 मिलती है। ये बड़ा ही खास एग्जियम है प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो दोस्तों 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको मज़ा आया होगा, धन्यवाद।